सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदों अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है ऐसे व्रत को हम धारण करें जो हमको मन से वाणी से हमारे शरीर से किए जाने वाले अनुष्ठान किए जाने वाले कर्तव्य कर्म निर्लेप भाव से हो हम कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत हों और वेदानुकूल आचरण करें जैसा वेदों का आदेश है जैसा विधि और निषेध है वैसा ही हम हर प्रकार से जाने माने और जीने का प्रयत्न करें जब हम ऐसा करेंगे तो निसंदेह हमारा यह जीवन अत्यंत यशस्वी हो जाएगा हम जान के इस अमृत को धारण करें ज्ञान रूपी इस पीयूष को अपने कर्तव्य कर्मों में उसका प्रयोग करें तभी जीवन और यह जगत उत्कर्ष को प्राप्त होगा यह हमारी उत्कंठा यह हमारी जिज्ञासा सदा बनी रहनी चाहिए ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के इक्कीसवें सूक्त से लेकर के हम लगभग उनतीसवें सूक्त तक पहुंच गए थे और उनतीसवें सूक्त का हमने पहला मंत्र पढ़ा था जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा की थी कि हम काम क्रोध लोभ मोह को जीत करके शरीर मन और मस्तिष्क की दीप्ति को प्राप्त करें क्योंकि यही हमारे लिए कल्याणकारी है काम क्रोध लोभ ये हमारे लिए अत्यंत अकल्याणकारी हैं ये हमको नरक की ओर ले जाते हैं पतन की ओर ले जाते हैं हम इनको वश में करने वाले बने ना कि इनके वश में हो जाएं आज हम उनतीसवें सूक्त के सातवें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे प्रथम मंत्र लिखता हूँ ओम सखा सखे अपच अग्निरस्य अपचत्तो य कृत्वा महिषात्री शतानी महिषा त्रिशतानि त्रिसाकमिन्द्रो त्र साकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतम पिबत वृत्रहत्याय सोमम् ऋग्वेद के पांचवें मंडल के उनतीसवें सूक्त का यह सातवां मंत्र है ओ सखा सख्ये कृतवा महिषा त्रिशताक्रो मनुषा सारासी सुतम पिबत पृत्र हत्याय सोम ओम सखा सखे अपचत् ओयम अग्निरस्य कृत्वा महिषा त्रिशतानी त्रिशाकमिन्द्रो मनुषासरांसी सुतंपि बवत्रित्रहत्याय सोमं बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कहा सखा सर्व मित्र अग्नि जो अग्रणी है जो अग्रणी प्रभो अस्य कृत्वा इस जीव के प्रज्ञान व शक्ति के हेतु से यह जो जीव है इसके प्रज्ञान व शक्ति के लिए सख्य अपने मित्र भूत इस जीव के लिए तुयम शीघ्र ही शतानी वर्ष पर्यंत सौ वर्ष तक महिषा अर्थात जो महिनीय ज्ञान है जो ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद या ये कहें कि ज्ञान कर्म उपासना ऋग यजुसाम और अथर्व जो विज्ञान है मूल रूप से तीन जो वेद हैं साम कहा है जो तीन ज्ञान के रूप में हमारे लिए महनी है अर्थात जो ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद रूप जानों को अपचत परिपक्व करता है यह परिपक्व ज्ञान ही इस नीव का ओदन अर्थात जो भोजन बनता है यह ओदन से परिपुष्ट हुआ हुआ जीव प्रभु को प्राप्त करता है जान आमृतम भोजनम कहा है तो जान ही वास्तव में एक जानी के लिए विद्वान के लिए धर्मात्मा के लिए ब्रह्म जिज्ञासु के लिए मुमुक्षु के लिए जान पिपासु के लिए अत्यंत आवश्यक है तो यह अमृत के समान है यह एक जो हम स्थूल रूप में अन्न का ग्रहण करते हैं तो शरीर के लिए होता है और जो हम जान रूपी अमृत का पान करते हैं वो हमारे संस्कार के लिए मन बुद्धि अंतकरण को पवित्र करने वाला होता है इसलिए योगी का यही परिवार है यही कुटुंब है सत्य क्षमा दया बहुत सुंदर बात कही है हरि ने धैर्य क्षमा च जननी शांति शिविर गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोपुवसनं जानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे अस्मा भय योगिना कस्मा भय योगिना धैर्य यस्त पिता क्षमा च जननी तो धैर्य धैर्य ही जिसका पिता है क्षमा जननी है शांति चिरम गृहिनी पत्नी उसकी शांति के रूप में है सत्यम ये सत्य जो है उसका मित्र है सत्य मित्र दया च भगनी दया रूपी उसकी बहन है भ्राता मना संयमा मन का संयम उसके भाई के समान है ये इतने कुटुंबीजन है कुटुम्बिनो जनो वद सके कस्मात भयम जानामृतम भोजनम जान अमृत ही उसका भोजन है तो जब जान का इस विज्ञान का आधार हमारे जीवन में होता है तो निसंदेह यह जीवन हमारा इस वेद की परंपरा में इस वेद के ज्ञान में परिपक्व हो जाता है हम अपने जीवन को हर प्रकार के भलाई से हर प्रकार के उत्तमता से उपयुक्त कर लेते हैं बुराइयों से अभद्र विचारों से मुक्त हो जाते हैं इसलिए कहा कि यह वास्तव में रिग यजुशाम रूप जानो को परिपक्व करता यह परिपक्व जान ही इस नीव का ओदन है भोजन बनता है और ओदन से परिपुष्ट हुआ हुआ जीव प्रभु को सरांसी इंद्र जितेंद्रिय पुरुष जिसकी इंद्रिया वश में हैं जो अपने रचना पर अपनी वाणी पर अपने इन इंद्रियों पर जान इंद्रियों पर कर्म इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है जो जान के लिए भी पूर्ण रूप से पुरुषार्थ करता है और जो जान उसको प्राप्त हुआ है वैसा ही वह अपने आचरण में लाता है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में जितेंद्री कहलाता है वो जितेंद्री हो जाता है उसको जैसा जैसा ज्ञान वैसे चारों वेदों का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो, कृतित्व तो यदि नहीं बदलता है उसका ज्ञान किस काम का है और एक ऐसा व्यक्ति जो कभी वेद नहीं पढ़ा कभी शास्त्रों को नहीं सुना लेकिन माता पिता गुरु आचार्य से या बड़ों से जो कुछ भी जान पाया वो भी ज्ञान ही है और उसको जो आत्मसात कर लेता है वास्तव में उसका कल्याण हो जाता है इसका तात्पर्य यह है यस्य नास्ती स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस् करोति किम आचारहीनम न पुनंति जो आचरण में ज्ञान को नहीं लाता है जिसका जान परिपक्व नहीं है जो जैसा जानता है मानता है लेकिन वैसा जीता नहीं है तो उसका जान कभी उसके काम आ नहीं सकता है किसी व्यक्ति को प्यास लगी है कुआ पास में है रस्सी है बाल्टी सब कुछ है वो जानता है कि अगर इससे हम पानी भर करके पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी लेकिन वो पीना नहीं चाहता कुएं के पास जाना नहीं चाहता है पुरुषार्थ नहीं कर, करना चाहता तो कैसे उसकी प्यास बुझेगी उसको पता है कि यदि प्राणायाम करेंगे तो हमारा स्वस्थ रहेगा जानता है है लेकिन मानता और करता नहीं है जानता है गिलोय का सेवन करेंगे तो वात पित्त कफ हमारा संतुलित रहेगा लेकिन उसको वो पीता नहीं है जान है उसको लेकिन ऐसा जान किस काम का जो समय पर काम में ना, ना लाया जा सके अर्थात जिसका हम लाभ ना ले सके ऐसे जान से क्या लाभ इसलिए यहां कहा है कि वास्तव में वो परिपक्व बनाता है व्यक्ति को और जितेंद्रिय पुरुष साकम साथ साथ मनुष्य विचारशील पुरुष के त्री सरांसी इस तीन जान जलाशयों को पिबत पीने का प्रयत्न करता है रिक यजु साम इन तीनों का ग्रहण करके वह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को पवित्र कर लेता है ऋचाओं के तालाब में विज्ञान में स्थूल शरीर का शोधन हो जाता है यजुर्वेद में यज्ञों में सूक्ष्म शरीर धुल जाता है तथा साम जो उपासना है इस उपासना से व्यक्ति की वासनाएं दूर हो जाती हैं इसलिए तीनों शरीरों को पवित्र करके वह स्थूल शरीर का शोधन कर लेता है और यजुर्वेद के ज्ञान से यज्ञों में सूक्ष्म शरीर धुल जाता है सामस्य उपासना से कारण शरीर दीप्त हो उठता है यह इंद्र सुतम सोमम उत्पन्न हुए हुए सोम को वृत्र हत्याय वासनाओं के विनाश के लिए पिबत पीता है सोम पान के द्वारा जान की अवधारण भूत वासना को यह विनष्ट करता है इसमें कोई संदेह नहीं है इस वृत्र रूप मेघ के हट जाने से इसका जान सूर्य चमक उठता है जब जान होता है व्यक्ति को तो उसकी अजानता स्वतः ही नष्ट हो जाती है प्रभु अपने मित्र जीव के लिए क्योंकि सबसे बड़ा मित्र हमारा परमपिता परमेश्वर है वो हमारा सखा है सनो बंधुर जनिता सविधाता त्वमेव तो माता चा पिता त्वेव तो त्वेव तो बंधु चाह सखा त्वेव तो, तो इस प्रकार से वह प्रभु हमारा हर प्रकार से कल्याण करता है हम प्रभु की भक्ति के साथ प्रभु की शक्ति का अनुभव करते हैं और उससे फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं मुक्ति का तात्पर्य केवल मोक्ष को सीधा ले लिया कि मोक्ष हो जाएगा मोक्ष ठीक है लेकिन मुक्ति किन से मुक्ति दोषों से मुक्ति स्थूल जो हमारे दोष हैं त्रुटियां हैं झूठ छल कपट द्वेष ईर्षा लोभ मोह काम क्रोध आदि ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से हम बच जाते हैं हम ऊपर उठ जाते हैं इसलिए हमको इन वासनाओं से बचने का एक उपाय जो दिया है कि हम शुद्ध ज्ञान पहले प्राप्त करें और ज्ञान का भंडार है वेद तो मुख्य रूप से ज्ञान का जो स्रोत है ऋग्वेद और कर्म जो कर्मकांड जिसको कहते हैं अलग अलग प्रकार से कर्म में हम प्रवृत्त हों क्योंकि जान की परिणति कहाँ है जान का लाभ हम कैसे लें तो जान का लाभ तो कर्म में मिलेगा जितना जान होगा और ज्ञान के अनुसार जितना हम कर्म करेंगे उतना लाभ मिलेगा इसलिए यजुर्वेद कर्मकांड जो कर्म का अनुष्ठान करता है और कर्म से ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है फिर जो सामवेद, तो ये उपासना कांड है उपासना के लिए यद्यपि तीनों चारों वेदों में ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान हर प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा हुआ है लेकिन प्रधानता से इस बात को यहाँ पर कह दिया गया है इसको हमको ऐसा समझना चाहिए कि प्रभु हमारे लिए अर्थात हम उनके सच्चे मित्र बने वो हमारे सच्चे मित्र हैं यहाँ संसार में लोग मित्रता करते हैं और हो सकता है कि किसी स्वार्थ में किसी संकीर्ण विचारधारा में मित्र मित्र झगड़ जाते हैं मित्र मित्र दूर हो जाते हैं एक दूसरे का कभी कभी बहुत अपमान भी करते हैं एक दूसरे की हानि भी करते हैं लेकिन प्रभु को ऐसा कोई स्वार्थ नहीं हमसे हम यदि निष्कपट निश्चल निर्विकारी बन करके, निरहंकारी बन करके उनकी उपासना करते हैं तो वो ऐसे हमारे साध्य हैं, ऐसे वो हमारे स्तुत्य हैं, ऐसे वो पूजनीय है वर्णीय है ऐसे मित्र जो हमको सदा सुपथ की ओर ले जाते हैं सुपथ से हमको इस जीवन का जो लाभ है उसको प्राप्त कराते हैं तो ऋग यजु साम तीन महनीय जानों का पचन करते हैं यही तीन सरस्वती के सरस हैं विचारशील पुरुष इनमें स्नान करता है उत्पन्न सोम का रक्षण करता हुआ वासना का विनाश करता है केवल एक ही उपाय है संसार सागर को पार करने का और वो उपाय है जान रूपी नौका अपार संसार समुद्र मध्य समाजतोमे शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदैत दुशेष पादां भुज दीर्घ नौका ये परमपिता परमेश्वर के गुणगान से उसकी भक्ति के साथ जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं क्योंकि उसकी भक्ति भी हमको कब अच्छी लगती जब हमारे अंदर उसके प्रति जान हो जाता है इस भौतिक संसार की नश्वरता इसकी आसारता और प्रभु की जो विशाल इस संसार में उसकी जो गतिविधि है जो उसकी व्यवस्था है उसके प्रति कृतज्ञता और उससे अपने जीवन के लिए जो हम कहते हैं य तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा अभ्युदय और निश्रेयस प्रे और श्रेय जो हमारे लिए कल्याणकारी है जो भोग अपवर्ग है उसका ठीक जान हमको वेदों से होता है तो हम ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करें तो बहुत ही सुंदर जीवन हमारा होगा तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ भावनाओं के साथ आज की इस कक्षा को ही पर देंगे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः